मस्कुलर डिसऑर्डर या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि एक मांसपेशी की प्रॉब्लम है जिसमें हमारी मसल्स जो हैं वीक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, और ये कमज़ोरी जो है इतनी बढ़ जाती है कि बैठ के उठना भी जो है मुमकिन नहीं होता। चलने में प्रॉब्लम होना, बैठ के उठने में प्रॉब्लम होना, उसके साथ जो है चलते चलते गिर जाना, और कुछ दूसरे सिम्टम्स जो हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम इस बीमारी से होती है, और छोटे बच्चे जिनको DMD होता है, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, वो जो है चल नहीं सकते, बैठ के उठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, एड़ी उठा के चलने लगते हैं, काफ मसल्स जो होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं, उसके बाद जो है जो स्पाइन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो टेढ़ी हो जाती है, कमर अंदर की तरफ और सीना बाहर की तरफ होने लगता है, और जो हाथ पैर हैं बिल्कुल सूख जाते हैं, या कभी कभी मांसपेशी जो हैं इकट्ठी हो जाती हैं, और वज़न उससे कभी DMD के जो बच्चे होते हैं उनमें बढ़ जाता है, लेकिन मांसपेशी में बिल्कुल ताकत नहीं रहती। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, चाहे वो ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या लिम गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, FSHD, मायोपैथी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, बहुत सी ऐसी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हैं जिनके सभी में जो है मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। मांसपेशी का कमज़ोर होना ही जो है इसका मेन सिम्टम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। अब जो बात आती है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो मांसपेशी बिल्कुल कमज़ोर होती चली जा रही हैं, दिन ब दिन जो है हालत में जो है गिरावट आती चली जा रही है, कंडीशन जो है ख़राब होती चली जा रही है, मांसपेशी कमज़ोर होती चली जा रही हैं, एक एक दिन में जो ये वीकनेस है बढ़ रही है बच्चों में, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं DMD। अब इसको हम किस तरह से इन मसल्स को जो है मेंटेन करके रख सकें, इतना करें कि जो आगे को जो इसकी कमज़ोरी है वो ना बढ़े, और उसके बाद जो है कंडीशन में जो है सुधार हो, इम्प्रूवमेंट हो, मसल्स में ताकत आए, और जो परेशानी हो रही है उस परेशानी से जो है हमको रिलीफ मिले। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, और जो मेडिसिन्स जो प्रोवाइड की जाती हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, काफ़ी टाइम से इन मेडिसिन्स को यूज़ किया जा रहा है, और जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसमें मिलते हैं। मांसपेशी में इनसे ताकत आती है, और उसके साथ जो है CP के जो बड़ा होता है वो कम होता है, मांसपेशी जो सुकड़ने लगती हैं, सूखने लगती हैं, और उनमें जो है एक तरह से जो प्रोटीन होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, उसको मेंटेन करके रखती है, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट इन मेडिसिन से हमको मिलते हैं। ये मेडिसिन्स होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये एक तरह का फॉर्मूला है जिसमें कई तरह की मेडिसिन्स जो कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में काम करती हैं, और कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन्स भी दी जाती हैं। इस तरह का कम्बिनेशन होता है कि आपके सिम्टम्स के हिसाब से, और जो एक बेस्ट मस्कुलर जो प्रॉब्लम की मेडिसिन्स हैं उनको मिला के एक फॉर्मूला ये तैयार किया जाता है, और एक जो ऑयल साथ में दिया जाता है जिसको हम नाभि में डालते हैं, वो सीधा आपकी मसल्स में पहुंच के, सेल्स में पहुंच के मसल्स में न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है, वहाँ पर जो है मसल्स को एक्टिवेट करता है, और मसल्स में जो है लुब्रिकेशन बनता है, उनकी ड्राइनेस ख़त्म होती है, मसल्स में ताकत आती है। मसल जो मांसपेशी बिल्कुल सुकड़ रही हैं दिन ब दिन, सूख रही हैं दिन ब दिन, और ढीली होती चली जा रही हैं, उनमें टाइटनेस आती है, ताकत आती है, पावर आती है। तो दोनों तरह इंटरनल और एक्सटर्नल फॉर्म में इन मेडिसिन्स को यूज़ करने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मिलते हैं। किसी भी तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, कोई भी एज हो, चाहे आप को DMD छोटे बच्चों में हो, या फिर लिम गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या मायोपैथी, या बड़े लोगों में जो प्रॉब्लम होती है वो हो, सभी में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं।